Hey guys, what is up? Welcome back to my channel, here Aarav, and I hope you all are fine and all are doing great. First of all, if you are new to this channel, then smash the subscribe button and don't forget to hit the bell icon. Kuki, bell icon ki wajah se aapko meri har ek update ka pata chalta rahega. Aur is video ko please end tak dekhna aur I hope aapke liye useful rahe aur phir shuru karte hain bina waqt ki barbaadi ke. To karna हम बात करने वाले हैं सैमसंग के M51 की जो हमारा 10 सितंबर को आफ्टरनून में लॉन्च होने वाला है, सेल चलेगी. तो फिर उसका नाम इन्होंने रखा है मतलबी रक्षश. कोई तो क्या नहीं है, बट इसका नाम उन्होंने इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रखा है मीनेस्ट मॉन्स्टर है. बट अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब ये बैठेगा मतलबी रक्षश. अब जैसे भाई एवेंजर्स आई थी तो भाई मार्वल ने एवेंजर्स बनाए, तो सैमसंग सोच रही है हमें भी कुछ बनाना चाहिए. सैमसंग मॉन्स्टर बना रही है, और कैसे मॉन्स्टर बना रही है, स्मार्टफोन्स वाले मॉन्स्टर. क्योंकि M31 आया, मेगा मॉन्स्टर आया, M51 आ रहा है, तो भैया वो मीनेस्ट मॉन्स्टर एवर है. और कोई भाई कोई सस्ता फोन आएगा 10,000 से नीचे उसका नाम रख देंगे चीपेस्ट मॉन्स्टर. भाई आइडिया देना है सैमसंग वालों को कि मैंने दिया काम आएगा. तो फिर चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया मजाक. तो भाई हम बात करेंगे कि भाई सैमसंग ने इसका नाम मीनेस्ट मॉन्स्टर एवर क्यों. भाई सैमसंग के अकॉर्डिंग ये फास्टेस्ट, बोल्डेस्ट और आपका बिगेस्ट और आपका ब्राइटेस्ट मोबाइल फोन एवर. तो भाई इसलिए उन्होंने यह नाम इसको दे दिया. और एक तरह से मॉन्स्टर एवर एक चैलेंज है जो आपका फोन लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा क्या है. वीडियो से अलग एक बात बताऊँ, हमने जो राक्षस देखे हैं, मतलब मॉन्स्टर्स देखे हैं, वो कुछ इस तरह होते हैं. बट सैमसंग हमें इस तरह के मॉन्स्टर दिखाना है, मजाक चल रहा है. इन्हें मॉन्स्टर कहते हैं, ऐसे मॉन्स्टर तो मैं पालूंगा, मैं डॉग लवर के बाद मॉन्स्टर लवर हो जाऊंगा. तो भाई मजाक कर रहा था, मजाक को रखते हैं साइड में. अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन से. तो भाई जैसे भाई सैमसंग का लास्ट फोन आया था आपका M31 मेगा मॉन्स्टर, जिसमें आपको बैटरी देखने को मिली 6000 mAh की, जो भाई सबसे तगड़ी बैटरी है अभी तक की. तो भाई सैमसंग का एक नया फोन आया है M51, तो भाई इसमें इन्होंने दी है बैटरी 7000 mAh की, जिसके साथ आपको देखने को मिलेगा इसमें 25W का फास्ट चार्जिंग. एक वजह मैंने पहले बताया था, जैसे M31 की मैंने बात की थी तो उसमें 6000 mAh थी, तो मैंने कहा था कि भाई धीरे धीरे इनकी mAh बढ़ती रहेगी. और ऐसी अब M51 आया तो इन्होंने 1000 mAh और बढ़ा दी तो 7000 mAh हो गई. अब ऐसे धीरे एक और आएगा उसमें 8000 हो गई, फिर एक और आएगा उसमें 9000 है, फिर एक और आएगा उसमें 10000 हो जाएगी. फिर भाई ये कहेंगे हमारे फ़ोन से आप लैपटॉप चार्ज कीजिए. वाह, तुम्हारा ओप्पो है, ओप्पो एज अ कैमरा फोन फेमस है, ये हो जाएगा एज अ बैटरी फोन. ओह माय गॉड, बैटरी की बात हो गई, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की. तो आपको इसमें देखने को मिलेगा चिपसेट वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G और उसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर. और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब OS वर्जन, वो आपको एंड्रॉइड 10 ही मिलेगा. तो अब भाई जैसे मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात बता दी है, तो हम बात करते हैं डिस्प्ले की. तो डिस्प्ले में आपको देखने को मिलती है इसकी सुपर AMOLED प्लस इन्फिनिटी और डिस्प्ले के साथ. और जिसका साइज है डिस्प्ले का, वो आपका 6.7 इंच, मतलब बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको इसमें. हमारे यहाँ बात खत्म होती है डिस्प्ले की भी, तो हम बात करते हैं लास्ट जिसकी, वो है हमारा मीनेस्ट कैमरा एवर. भाई जिसमें आपको पीछे देखने को मिलते हैं क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, प्लस 5 MP का डेप्थ लेंस, प्लस 5 MP का मैक्रो लेंस. अब बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में आपको देखने को मिलता है इसमें 32 MP का सेल्फी कैमरा. तो भाई आप इसकी हर चीज़ बता दीजिए अभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन आई है. बाकी ये 2 दिन बाद आपके सभी के नज़रों के सामने होगा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ भी जाना है देख लेना. मैं डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से अभी नोटिफाई कर दीजिए, जब आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इस फोन को लेना है. वैसे एक बात बताऊँ, फ़ोन अभी तक बहुत तगड़ा लगा, मतलब स्पेसिफिकेशन पढ़ के, बाकी आपको ये टेस्ट करके पता चलेगा. और जल्दी मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो आने वाली है, शायद मेरे ख्याल से परसों आ जाए. आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो मैं हर बार की तरह की बात करूँगा, उस लाल बटन को दबा दीजिए. और कैसे दबाना है तो मैं बताता हूँ.
कैसी दबाओ, ऐसे दबाओ या भाई प्यार से दबाओ, वो दबना चाहिए और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो मेरी हर एक अपडेट खबर। और भाई ब्लॉगिंग का मेरा इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि भाई कोरोना को लेकर मेरे पेरेंट्स बहुत सख्त है और देख मेरी भी फट रही है कहीं मेरे को ना हो जाए। जिंदगी पहले ब्लॉग बाद में, मैं हूँ अभी तो ब्लॉग होगा, अगर मैं नहीं रहा तो ब्लॉग कहाँ से आएगा। तो फिर अभी थोड़ा काम डाउन, धीरे से रखिए, हमारा ब्लॉग भी आएगा। और बाकी एक ही बात कहूँगा, खुश रहो मौज करो।